प्रदीप बलमुचू का आजसू की राजनीति से भर गया मन। वाया झामुमो कांग्रेस में वापसी के लिए शुरू की बैटिंग। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप कुमार बलमुचू का एक साल में ही आजसू की राजनीति से मन भर गया है। झारखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे बलमुचू 2019 के विधानसभा चुनाव में पहले आजसू में शामिल होकर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। चुनाव हारने के बाद झारखंड की राजनीति में अलग थलग पड़े थे और फिर से घर वापसी में जुट गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। दूसरी तरफ झारखंड में सत्ताधारी झामुमो के लिए भाजपा के खिलाफ बैटिंग भी शुरू कर दी है। दुमका उपचुनाव में उन्होंने झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है। इसे कांग्रेस में शामिल होने के लिए रास्ता बनाने के रूप में देखा जा रहा है। आजसू पार्टी के टिकट पर घाटशिला से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री प्रदीप बलमुचू कांग्रेस में घर वापसी चाहते हैं। वह 8 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त आजसू पार्टी में चले गए थे। उन्होंने आजसू से नाता तोड़ लिया है। वे दुमका में बसंत सोरेन के लिए प्रचार करेंगे। दुमका के रास्ते में गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। यकीन है कि दोबारा कांग्रेस के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि दुमका जा रहे हैं, वहां यूपीए के उम्मीदवार बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दावा किया कि विरोधी कुछ भी बोले, दुमका और बेरमो उपचुनाव में यूपीए की ही जीत होगी। भाजपा के नेता लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है।